तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग गेम गार्डियन को एंड्रॉयड 13 में चला सकते हो विदाउट रूट। आपको रूट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये वीडियो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डाल दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी बोरिंग पार्ट देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेप मैं आप लोगों को ले रहा हूँ कि मैं अपने फोन का एक बार वेरिफिकेशन आपको करा दे रहा हूँ कि एंड्रॉयड 13 पे मेरा फोन है। यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड 13 पे है, सैमसंग का फोन है। और यहाँ पे अगर मैं रूट अपना वेरीफाई करना चाहूँ तो मेरे फोन में कोई भी रूट इंस्टॉल नहीं है, मतलब मैं क्लीन हूँ। और मैं यहाँ पे आपको गेम गार्डियन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और एक चीज और याद रखिएगा, गेम गार्डियन इंस्टॉल करना, चलाना, और उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक गेम गार्डियन चलने के बाद कई बार क्रैश होता है, तो उसको कैसे फिक्स करते हैं वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके क्रैश फिक्स वाले सेक्शन के ऊपर जा करके भी देख सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा गेम गार्डियन को इंस्टॉल करना। और इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल से गूगल के ऊपर चले जाना है। गूगल पे जाके सर्च करना है गेम गार्डियन, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आपको जो पहली वेबसाइट होगी ऑफिशियल डाउनलोड्स की, इसके ऊपर इस टाइप से आपको टैप कर देना है सिंपल से, और गेम गार्डियन की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहीं से करिएगा और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं। आपको नीचे स्लाइड करना है थोड़ा सा, इस साइड आप लोग देख पाओगे। आप जब थोड़ा ज़्यादा स्लाइड कर लोगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड दिस फाइल का एक ऑप्शन दिखेगा। इसको आपको सिंपल से इस टाइप से टैप करना है। अगर कोई ऐड आ रहा हो तो इस टाइप से एरो का सेक्शन दबा के ऐड को हटा दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड्स के टर्म्स और पॉलिसीज दी गई हैं। आपको क्या करना है, इन टर्म्स और पॉलिसीज को यहाँ से एग्री एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख पाओगे कि दो फाइलें आ रही हैं। तो आप सोचोगे कि इनमें से कौन सी करनी है, तो आपके पास क्योंकि एंड्रॉयड का फ़ोन है तो आप लोगों को गेम गार्डियन ये जो APK है ना, इसको कर लेना है। यहाँ आप लोग डाउनलोड के ऊपर टैप करोगे, अगर कोई ऐड आ जाए तो आपको सिंपल से ऐड को कट कर देना है और आपका जो डाउनलोड है वो देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, जब आप लोगों का गेम गार्डियन डाउनलोड हो जाएगा ना, तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आपका फ़ोन नॉन रूटेड है, आपका फ़ोन रूटेड नहीं है, इसलिए आपको गेम गार्डियन को चलाने के लिए एक पैरेलल स्पेस की ज़रूरत होगी। पैरेलल स्पेस या फिर वर्चुअल स्पेस आप लोग कह सकते हो, एक ऐसी जगह जो आपके फ़ोन की तरह ही होती है बट उसके अंदर रूट होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेम गार्डियन को यहाँ से इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ इंस्टॉलिंग हो रहा है, बट इसको इंस्टॉल करने के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप यहाँ पे, आप जब इसको ओपन कर लोगे तो यहाँ देख सकते हैं कुछ चीज़ों की परमिशन मांग रहा है। आपको सिंपल से कंटिन्यू के ऊपर दबा देना है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसको ओके करिए। और यहाँ पे इंस्टॉल मोड जो बता रहा है आपको डिफॉल्ट के ऊपर सेट करना है। और यहाँ पे देख पाओगे कि आपका गेम गार्डियन कुछ इस टाइप का सेक्शन दिखाने लगेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सेटिंग के ऊपर चले जाना है। सेटिंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ से अननोन ऐप्स को इंस्टॉल करने की परमिशन ऑन करनी है। ठीक है, यहाँ गेम गार्डियन की परमिशन को इस टाइप से हम लोग टैप करेंगे तो गेम गार्डियन अपने आप को एक फेक नेम से इंस्टॉल करेगा। क्यों, ताकि गेम्स पहचान ना पाएं कि आपके फ़ोन में गेम गार्डियन इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल दबा रहा हूँ। बट आप ये सोच रहे होगे, यार इंस्टॉल तो हो रहा है तो क्या यहीं से चालू भी हो जाएगा क्या? नहीं, इसको चालू करने के लिए पैरेलल स्पेस की ज़रूरत होगी। पैरेलल स्पेस या फिर पैरेलल वर्चुअल फ़ोन, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, उसकी ज़रूरत होगी। आप देख पाओगे कि यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे गेम गार्डियन के आइकन आ गए हैं ना, बट इनमें से कुछ आइकन्स को आपको हटाना है। जैसे कि मैं इस आइकन के ऊपर टैप कर रहा हूँ तो ये इंस्टॉलेशन के लिए ही बोल रहा है। तो जो भी आइकन आपका इंस्टॉलेशन के लिए बोले उसको आपको सिंपल से अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने इंस्टॉल तो कर ही लिया है गेम गार्डियन को। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दो आइकन बचे हैं, इनके ऊपर जब आप टैप करोगे ना तो यहाँ देख सकते हैं कुछ परमिशंस मांग रहे हैं, आपको अलाउ करना है। और यहाँ पर देखिए ये वर्क मोड पूछ रहा है, रूट, नॉन रूट, एग्जिट। बस यहीं तक आपका था गेम गार्डियन का इंस्टॉलेशन का सेक्शन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा वर्चुअल स्पेस या फिर पैरेलल स्पेस आप लोग यूज़ करोगे गेम गार्डियन के लिए। तो बहुत बढ़िया, आई होप सो कि आप लोगों ने गेम गार्डियन को बहुत ही सही से इंस्टॉल कर लिया होगा। और अब हम लोग दूसरे सेक्शन के ऊपर आ गए जहां हम लोग वर्चुअल स्पेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ KGO मल्टी स्पेस, और इसकी जो APK की लिंक है वो आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और कैसे करना है आप लोगों को बाकी प्रोसेस मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद अगर ये कोई भी परमिशन मांगता है तो वो दे दीजिए। फिलहाल ये ओपन के लिए बोल रहा है इंस्टॉल होने के बाद,
तो मैं इसको जैसे ही ओपन करूंगा यहाँ पे कुछ इस टाइप का लोगो आएगा। आपको क्या करना है, नो थैंक्स आप इसके ऊपर टैप कर सकते हो। अगर अपने आप से गायब हो जाए तो कोई प्रॉब्लम मत लेना। यहाँ पे जितनी भी ये परमिशन मांग रहा है इसको अलाउ करो, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने इसको अलाउ कर दिया। अभी क्या करना है आप लोग ये ध्यान से समझिए। अभी देखिए ये जो गेम गार्डियन है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रूट और नॉन रूट के हिसाब से परमिशन मांग रहा है। बट अब आप लोगों को क्या करना है, इस गेम गार्डियन को इस केजीओ मल्टीस्पेस के अंदर क्लोन करना है। कैसे करोगे, इसके ऊपर आपको टैप करना है, यहाँ प्लस के आइकन के ऊपर जाना है और यहाँ से आपको जो गेम गार्डियन है ना उसको यहाँ से सर्च करना है। देख सकते हैं हो सकता है किसी फेक नाम से गेम गार्डियन आपका हो, आप लोगों को उसको ढूंढना है और यहाँ से टैप करके ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसे ऐड कर दोगे ना तो ये जो गेम गार्डियन है ना ये इसके अंदर वर्क करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं व्हेन यूजिंग एंड्रॉइड 10.11 यू मस्ट अलाउ इंस्टॉल अननोन एप्लीकेशन। तो इसको आपको क्या करना है, नेवर माइंड के ऊपर टैप कर देना है एक बार और स्टार्ट दबा देना है, ठीक है। यहाँ पे एक और परमिशन मांगेगा ये अननोन ऐप्स को इंस्टॉल करने की। आपको यहाँ पे देख सकते हैं गेम गार्डियन का आपका जो भी नाम होगा इसके ऊपर टैप करना है, टैप कर दोगे, बैक कर लेना है। इसके बाद बस आपको गेम गार्डियन को रन करना है। कैसे करोगे, सिंपल से इसके ऊपर टैप करना और गेम गार्डियन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से रन हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी आप लोगों को बहुत सारे प्रोसेस को करना है। ये जो सेक्शन है ना इसको हम लोग ओके करेंगे। अनेबल टू शो फ्लोटिंग विंडो अगर आ रहा है आपका, आप लोग इसको ओके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपीयर ऑन टॉप का सेक्शन आपके में भी खुलेगा, यहाँ परमिशन को अलाउ करना है वरना प्रॉब्लम होगी। देखो गेम गार्डियन की परमिशन तो अलाउ है बट ये जो मल्टी स्पेस है ना इसकी परमिशन अलाउ नहीं है। तो हम लोग इसको अलाउ करेंगे और बैक कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टार्ट मांग रहा है, तो मैं इसको एक बार रिस्टार्ट के ऊपर टैप करूंगा और यहाँ पे नो नोटिफिकेशन एक्सेस अगर आ रहा है तो आपको नेवर माइंड के ऊपर करके सेटिंग के ऊपर टैप कर देना है, ठीक है। और अगर कोई भी ऑप्शन खुलता है आपके में तो आप उस हिसाब से वहाँ पे टिक अनटिक कर सकते हो। बट यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन खुला नहीं, इसका मतलब आपको कुछ खास नहीं करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, फ्लोटिंग आइकन नहीं आता। तो आपको यहाँ पे देखना है फ्लोटिंग आइकन आ रहा है कि नहीं। अगर मैं स्टार्ट दबाऊंगा तो गेम गार्डियन का फ्लोटिंग आइकन आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए फिर से आ रहा है। अगर मैं वापस से सेटिंग के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐप नोटिफिकेशन के लिए कुछ सेक्शन आ रहे हैं। आपको यहाँ कुछ नई छेड़खानी करनी है, अगर अलाउ नोटिफिकेशन लगा है तो सब कुछ बेस्ट है, ठीक है। मैं बैक कर ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए गेम गार्डियन हमारा शुरू हो गया है। अब कई लोगों में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि प्रोसेसेस नहीं दिखते हैं। प्रोसेसेस मतलब क्या होता है, जब गेम गार्डियन आपने खोला ये देखिए सेलेक्ट प्रोसेस आ रहा है ना, ये सारे प्रोसेस किसके अंदर है, जितनी भी चीजें आपको करनी है गेम गार्डियन के साथ सारी की सारी मल्टी स्पेस के अंदर। जब भी कोई ऐप होगा ना तभी करिएगा। अगर कोई भी ऐप मल्टी स्पेस के बाहर है और आप गेम गार्डियन से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। अगर आपके में ये प्रोसेसेस नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब है आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करने में कोई प्रॉब्लम की है, या तो ये जो आपका मतलब वर्चुअल स्पेस है कोई भी स्पेस है वो प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल केजीओ मल्टी स्पेस मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है। अभी यहाँ पे इतना तो हो गया है, इतना में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अभी क्या है, आपका गेम गार्डियन कई बार क्रैश करेगा। क्रैश क्यों करेगा, क्योंकि अगर आपका फ़ोन लो एंड है, आपके फ़ोन में रैम कम है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही फ्रीक्वेंट आती है। तो चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि गेम गार्डियन को क्रैशिंग इशूज से कैसे बचाया जा सकता है। तो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने गेम गार्डियन को बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल कर लिया, पैरेलल स्पेस को इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग क्रैशिंग इशूज फिक्स करना सीखेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे एक मैंने नॉर्मल सा गेम ले रखा है, अगर मैं इसको स्कैन करता हूँ तो मेरा गेम गार्डियन क्रैश करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर है। अगर मैं इसको स्कैन करना चाहूँ, गेम गार्डियन के ऊपर मैंने टैप किया, प्रोसेस में मैं कैंडी क्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं 13 को सेलेक्ट करूंगा। बट 13 को सेलेक्ट कैसे करूंगा, मैं टाइप में क्या लगाऊंगा, एक्सॉर। क्यों एक्सॉर लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वैल्यू इनक्रिप्टेड हो सकती है और उसके साथ साथ मुझे गेम गार्डियन के ऊपर काफी प्रेशर देना है कि ये क्रैश करे और मैं इसकी सेटिंग्स को चेंज कर पाऊँ। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, द वैल्यू इज इनक्रिप्टेड के ऊपर टैप करेंगे, न्यू सर्च करेंगे और यहाँ पे देखिए सर्चिंग चल रही है और अभी देखिए सर्चिंग रुक गई है। अब सर्चिंग रुकने का क्या मतलब है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी चीज ब्लैंक हो गई, पूरी चीज मतलब क्रैश हो गई। सही मतलब हर चीज चल तो रही है बट क्या है, क्रैशिंग हो गया, सब कुछ खत्म। तो अभी आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, जब क्रैश हो जाए एक बार गेम गार्डियन तो आपको वापस से गेम गार्डियन को टैप करना है। ये गेम गार्डियन के अंदर एक फीचर है कि जब वो क्रैश होता है तो ये लोग बताते हैं कि क्रैश को कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके में कुछ इस टाइप का सेक्शन आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्विच टू वर्क विथ एसी लिनक्स एंड रिस्टार्ट दिस ऐप, ठीक है। इसके ऊपर इस टाइप से आपको टैप कर देना है
और वापस से एक बार आपको रिस्टार्ट कर लेना है। बट ज़्यादातर लोगों में हो सकता है ये ऑप्शन ना आए, कोई और ऑप्शन आए, बट आपको चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए वापस से मैंने स्टार्ट किया, वापस से मैं कैंडी क्रश को ओपन करूँगा, ठीक है। कैंडी क्रश को ओपन करने के बाद वापस से हम लोग एक बार स्कैनिंग का फेस करने वाले हैं, और स्कैनिंग के फेस करने के बाद अगर दोबारा से क्रैश होता है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आने वाले हैं, और उन दो ऑप्शंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्रैशिंग इश्यूज को हम लोग अपना फिक्स करेंगे परमानेंट, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ मैनुअल चीज़ें मैं कर ले रहा हूँ सबसे पहले, और इसके बाद वापस से मैं सर्च करूँगा अपने 13 नंबर को, यहाँ 13 है, और मैं वापस से जाता हूँ और यहाँ पे कैंडी क्रश सेलेक्ट किया, और वापस से आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना, आप कोई भी गेम ले सकते हो। यहाँ पे मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, एग्जॉर ले लेता हूँ, वैल्यू इनक्रिप्टेड, और न्यू सर्च करूँगा, और वापस यहाँ पे देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ। अब देखिए वापस से क्रैश हो गया गेम गार्डियन आपका, गेम आपका चल रहा है, गेम गार्डियन क्रैश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको रिसेंट में आना है और गेम गार्डियन को एक बार वापस ओपन करना है। आप देखो ओपन करोगे, ठीक है, ओपन करने के बाद अब क्योंकि क्रैश हुआ था तो आपको कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, जब ये सेक्शन आया ध्यान से पढ़िएगा, द प्रीवियस ऐप शटडाउन वाज अनएक्सपेक्टेड, और यहाँ पे प्रिवेंट अनलोड और डाटा रैम को नो करने की सलाह दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फिक्स इट के ऊपर दबाना है, और डाटा इन रैम यस है ना, इसको आपको कर देना है नो। और जैसे ही आप लोग नो करोगे, आप लोगों का जो गेम गार्डियन का क्रैशिंग सेक्शन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। बट याद रखिएगा, ये जो गेम गार्डियन है ना, ये अपनी सारी मेमोरी को स्टोर कर रहा था रैम में, बट क्योंकि रैम से अब हम लोगों ने हटा दिया है, आपका इंटरनल स्टोरेज, जब तक गेम गार्डियंस आप कोई भी गेम को यूज़ कर रहे हो ना, इंटरनल स्टोरेज भरता रहेगा, और इसीलिए आप लोगों को अपनी इंटरनल स्टोरेज में कम से कम नहीं तो 5 से 10 GB जगह रखनी पड़ेगी, ताकि जब तक आपकी स्कैनिंग चल रही है ना, सारी मेमोरी इंटरनल स्टोरेज में जाए और आपका स्कैनिंग कंप्लीट रहे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हम लोग यहाँ से देखिए गेम गार्डियन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या अब भी ये क्रैश होता है कि नहीं। मैं रिसेंट में चला जाता हूँ क्योंकि मेरा कैंडी क्रश खुला हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं कैंडी क्रश खुला हुआ है, और अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी स्कैनिंग करते थे क्रैश होता था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जानबूझ के इसके ऊपर एग्जॉर वाली स्कैनिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये भारी स्कैनिंग है, टाइम लेती है। तो यहाँ पे 13 है, मैं यहाँ पे सर्च पे जाता हूँ और 13 लिखता हूँ, और यहाँ पे टाइप पे लगा देता हूँ मैं वापस से एग्जॉर, और यहाँ से न्यू सर्च कर देता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि ये स्कैन तो कर लिया इसने और अभी क्रैश भी नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दूसरा स्कैन करेंगे। 1680 है, मैं वापस से एक बार 1680 को स्कैन कर देता हूँ, और मैं इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, द वैल्यू इज इनक्रिप्टेड भी मैं लगा दे रहा हूँ ताकि प्रेशर पड़े और देखूँ कि ये कितना भैया मतलब प्रॉब्लम ले रहा है कि नहीं। मैं न्यूज सर्च पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए अभी ये काफ़ी तगड़ा स्कैन कर रहा है, और तगड़ा स्कैन करने का क्या मतलब है, ये सारी जगह ले रहा है मेरे इंटरनल स्टोरेज में। अभी मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ, मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर दे रहा हूँ, और कैंसिल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरनल स्टोरेज में जगह ले रहा है या नहीं। ध्यान से आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम में रहोगे, ठीक है। अभी आप लोग देखो ध्यान से, मेरी इंटरनल स्टोरेज कितनी खाली है, 3.1 GB इंटरनल स्टोरेज फ्री है, ठीक है, याद रखना 3.1 GB फ्री है। जब मैं इसको 1680 को यहाँ पे सर्च करता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू सर्च करता हूँ, और यहाँ पे देखिए सर्चिंग चल रही है, और सर्चिंग चलते चलते मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने हटाया इसको, मैं हाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे गया, और एक बार मैं ज़रा रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको टैप कर लेता हूँ मैं, और एक बार बैक कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे 3.3 GB फ्री। ये कुछ ग्लिच हो रहा है, ये देखिए 3.0 हो गया, दिख रहा है आपको ना, 3.0 हो गया। और अगर मैं इसके ऊपर वापस से टैप कर दूं और वापस से बैक हो जाऊं, ये देखिए 2.8 हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने रैम में जगह लेने से मना कर दिया, क्योंकि क्रैश हो रहा था रैम का, मैं फ़ोन की तो क्रैशिंग हो रही थी। अब ये सारी जगह ले रहा है फ़ोन में, बट चिंता की कोई बात नहीं है, जैसे ही स्कैनिंग खत्म होगी, आपका काम खत्म होगा, ये सारी जगह फ्री हो जाती है, तो चिंता मत लो। बट फिर भी जगह खाली रखना है, ये याद रखना, ठीक है। अभी मैं देखिए इसको क्या करूँगा, मैं कैंसिल कर दूंगा स्कैनिंग। यहाँ पे देखिए मैंने कैंसिल कर दी इसकी स्कैनिंग, और यहाँ पे 2.2 GB अभी फ्री दिखा रहा है, तो अभी ये क्या करेगा, ये सारी जगहों का भी रिलीज़ करेगा। यहाँ देखिए 2.1 हो गई, और अभी यहाँ पे देख सकते धीरे धीरे रिलीजिंग हो जाएगी, या फिर अगर रिलीजिंग ना हो जगह की तो आप ये कर सकते हो कि जो भी पैरेलल स्पेस था ना, वो सारा कुछ कटआउट कर दो, और जो गेम गार्डियन था उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। यहाँ से एग्जिट कर दोगे, और यहाँ से बंद हो गया,
और उसके बाद आप लोग जब अपने जगह को जाके चेक करोगे ना कि भाई क्या स्पेस है मेरे फ़ोन के अंदर, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे परफेक्टली 4 GB मेरे में है। वैसे 3 GB पहले दिखा रहा था, अभी ज़्यादा हो गई क्योंकि वो स्कैनिंग में जगह ले रहा था। आई होप सो कि इतना डिटेल में मैंने आपको समझाया गेम गार्डियन के बारे में, सब कुछ समझ में आया हो। मेरे चैनल पे गेम गार्डियन के बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर तुम्हें मेरा ये कंटेंट पसंद आता है, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तुम लोग, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी गेमिंग चैनल के लिंक है, क्योंकि भाई मैं भी गेमिंग करना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो प्लीज़ जाके उसको भी सब्सक्राइब करना। और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम लोग फिर अपनी अगली कमाल की वीडियो में।